सार्वजनिक स्थलों से मजारों व अन्य धार्मिक स्थलों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त नजर आ रहा है। सार्वजनिक स्थलों से धर्मस्थलों को हटाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार को अवैध अतिक्रमण को हटाकर जानकारी देने को कहा है। कोर्ट ने याचिका पर जवाब देने के लिए केंद्र व राज्य सरकार को मोहलत देते हुए मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी तय की है। जन उद्घोष सेवा संस्थान एवं 5 अन्य की ओर से दाखिल याचिका की सुनवाई चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जे मुनीर की खंडपीठ में हुई। केंद्र व राज्य सरकार की तरफ से जवाब देने के लिए मोहलत मांगी गई, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने 16 जनवरी की तारीख तय कर दी। साथ ही हाईकोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार से अवैध अतिक्रमण हटाकर जानकारी देने को कहा। जन उद्घोष सेवा संस्थान एवं 5 अन्य की ओर से दाखिल याचिका में याचिकाओं का कहना है कि कानपुर लखनऊ समेत प्रदेश के अन्य रेलवे स्टेशनों पर व पटरियों के किनारे बीच में भी मजारे बनी हुई हैं। सार्वजनिक स्थानों पर हुए इस प्रकार के निर्माण से दुर्घटना की प्रबल संभावना रहती है। सार्वजनिक स्थान से ऐसे निर्माणों को हटाया जाए। याचिका की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वकील हरिशंकर जैन और विष्णु जैन ने बहस की। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखते रहिए इंडिया 24x7 लाइव टीवी। नमस्कार।